डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। हम लोग वन मार्क्स क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिल्ली सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो 2017 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो दिल्ली सेट था दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो फोर क्वेश्चन थे, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, द अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल, वन इन इंडेफिनिट इंडिकेशन एंड अदर वन फ्रॉम द वेक्टर। सो आइए इनको सॉल्व करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ए और बी का टू मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3x2 एंड 2x4 रेस्पेक्टिवली, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, हमें ए बी का। सो डियर फ्रेंड, जब भी आप कोई मैट्रिक्स ए है सो द ऑर्डर इज 3x2, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वहां लिख लीजिए बी, सो ऑर्डर इज 2x4। सो देखिए, ये मिडिल नंबर इक्वल होना चाहिए। If middle numbers are equal, then we say कि product is possible. अगर ये number equal नहीं होगा तो matrix का multiplication नहीं हो सकता। So if matrix multiplication is possible and the order of AB, जो order of AB होगा उसमें क्या करना है, जो आपने जो middle number देखा है उस middle number को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। So 2 को छोड़ेंगे तो order क्या जाएगा, order will be 3x4। तो ये हमारा answer हो गया, simple. वन मास क्वेश्चन, बस एक लाइन का आंसर देना था। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, द कर्व y इक्वल टू sin x एट पॉइंट 0 0। ओके, सो द गिवन कर्व इज y इक्वल टू sin x। क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द स्लोप लेट अस डिफरेंशिएट इट। सो व्हाट विल बी द dy/dx, sin x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है। नाउ लेट अस फाइंड द स्लोप, स्लोप मीनिंग डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0। स्लोप का मतलब हुआ dy/dx एट 0 0। सो cos 0, ना cos 0 इज सिंपली 1, सो स्लोप 1 हो गया। सो इक्वेशन ऑफ, नाउ वी वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस, द फॉर्मूला इज y माइनस y1 m इनटू x माइनस x1, क्योंकि पॉइंट 0 0 है। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 0 दैट इज y इक्वल टू x जो है, ये लाइन हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इज हमें एक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन x log 1 प्लस x dx, राइट ना, हमें इंटीग्रेट करना है x log, ओके सॉरी इट इज रॉन्गली रिटन एक्चुअली क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट लाइक दिस एक्चुअली। जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था वो है x 1 प्लस log x dx, दिस वॉज द क्वेश्चन एक्चुअली, इंटीग्रेशन 1 ओवर x, क्योंकि वन मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि जो एक सिंगल स्टेप से सॉल्व होने वाला है। ओके, जो मैंने इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन आपने देखा है x इंटू log 1 प्लस x, वो वन मार्क्स में नहीं हो सकता है, वो छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, आप जानते हैं log x का डायरेटिव 1/x है, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस log x को t पुट करता है, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x dx is dt, so 1/x dx तो dt हो गया, so question become 1/t dt, और इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t का, log t, so log t plus c, और t की वैल्यू को पुट करते हैं, t हमने एज्यूम किया था 1 प्लस log x को। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नंबर 4th क्वेश्चन, इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ओके, सी नाउ, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, इसको हम अगर लिखने चाहें सो आइए समझने की कोशिश पहले करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है। ओके, नाउ व्हाट इज बी क्रॉस ए, आइए बी क्रॉस ए, जब हम b क्रॉस a कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो भी होता है माइनस का a क्रॉस b, दैट इज माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। अगर इसको, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में c, अगेन इन दोनों में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है सो ये माइनस साइन को अगर हम एडजस्ट करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे, सो दैट मीन द एंगल बिटवीन दैम इज सिंपली द पाई, दोनों के बीच में एंगल कितना हो, सो इट इज पाई। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, नो नीड टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सो हम सिर्फ एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में हमें इतना लिखना सफिशिएंट है कि द एंगल बिटवीन, वी राइट लाइक दिस, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी
and B cross A is par. So dear friends, 2017 board examination compartment 2017 compartment Delhi में जो चार क्वेश्चन जो फोर क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन ये रहा. So thank you very much for watching this video.